इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप किसी भी कोड को यहाँ पर डायल करते हैं बट वहाँ पर दिखाता है इनवैलिड सर्विस कोड, तो क्या प्रॉब्लम रहती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए, सर्विस इनवैलिड दिखाता है तो उसमें जब आप कोड डायल करते हुए होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, वो मिस्टेक जो रहती है, वो यहाँ पर हमेशा आपको कोड के रिलेटेड मिलती है कि गलत आप जो है कोड डालते हैं, तब जो सर्विसेबल नहीं होता है। अब सर्विस 1-to-1 पर होती है और बहुत सारे कोडों पर होती है, तो इनवैलिड MMI कोड दिखाता है बट लेकिन कभी कभी सर्विस कोड भी इनवैलिड दिखाता है क्योंकि कोड वो अलग रहता है। ठीक है, तो जब भी आप सर्विस कोड डालें तो सही से डालें, ठीक है। और अगर सर्विस कोड पर रजिस्टर्ड नंबर होते हैं तो उस पर वो भी डालिएगा, ठीक है, तो तभी आप प्रोसेस करिएगा। एंड इनवैलिड तो डालिएगा मत, एंड अपने फ़ोन को बंद करके खुद ज़रूर खोल लीजिएगा उस टाइम पर। और जब आप ये कोड डालते हुए हो तो सेटिंग्स में जाइएगा अगर ये प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पर अपने जो है सिम कार्ड्स में जाइएगा और अपने सिम को एक दफ़ा बंद करके खोल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पर आपको ऐप्स में जाना है, मैनेजर्स में जाना है और फ़ोन को सर्च कर लेना है। तो जब यहाँ पर आप डेटा इसको क्लियर कर देंगे इसको, तो उसके बाद दोबारा से इसको ट्राई करेंगे तो आपको इस तरीके का एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।